आखिर सोमनाथ मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है? क्या इस मंदिर के मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था? क्या इस मंदिर के नीचे और भी इमारतें हैं? क्या है इसके पीछे का रहस्य और कहाँ है ये मंदिर स्थित? सो आज मैं इस वीडियो में सोमनाथ मंदिर के बारे में पूरा बताने जा रही हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, पूरे वीडियो में बने रहे। सो पवित्र पुस्तक शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव ने यहाँ राजा दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। उन्होंने यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने की प्रार्थना की थी। बता दें कि सोम चंद्रमा का एक नाम है और शिव को चंद्रमा ने अपना नया स्वामी मानकर यहां तपस्या की थी। और साथ ही ये भी पूछ कहा जाए कि ये कहां है, तो सोमनाथ मंदिर एशिया के भारत में स्थित है और यह भारत के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है, जो अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है और यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनेदार और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। साथ ही यहाँ के रहस्य और इतिहास के बारे में मैं बता दूँ तो यहाँ पे 1782 और 1783 के दौरान महानंद जी ने अब दाली को हराकर लाहौर जीत लिया और इस बीच उन्हें पता चला कि सोमनाथ के मूल दरवाजे लाहौर के मस्जिद में लगे हैं। इन दरवाजों को महादजी ने उखाड़ कर और लौटते समय अपने साथ ले आए, लेकिन सोमनाथ के पुजारी ने इस दरवाजे को लेने से मना कर दिया और यह कहा कि ये दरवाजा अब अपवित्र हो गया मस्जिद में लगने से। और इसके पीछे की कहानी, 1297 में जब दिल्ली संतलत ने गुजरात पर कब्जा किया था तो इसे पांचवी बार गिराया गया और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और इसके रहस्य के बारे में बताया जाए तो ये समुद्र के उस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोधा या बाधा नहीं है। इस पंक्ति को सरल अर्थात अर्थ है यह कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं पड़ता है और इसमें एक सीधी रेखा खींचा सकती है। और इसके बारे में बताया जाए तो क्वेश्चन ये है कि किसने और कितनी बार इसे लूटा और तोड़ने की कोशिश की, तो इसी क्रम में हम आज बता दे रहे हैं कि भव्य सोमनाथ मंदिर के इतिहास की इतिहासकारों की माने तो 17 बार नष्ट किया गया है। मतलब इस मंदिर को लगभग 17 बार नष्ट कर दिया गया था और हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। और प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास में सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1024 में महमूद गजनबी ने तहस नहस कर दिया। और अगर क्वेश्चन ये है कि मूर्ति को देखते ही शासक ने और क्रोध में आ गया और उन्होंने अपनी गदा उठाई और इतनी क्रूरता से हमला किया कि आर्थिक तौर पर भगवान सोमनाथ की 5 गज लंबी मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये है इसका आंसर कि आखिर क्यों और किसने इसकी मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो एक शासक द्वारा इस मूर्ति को एकदम क्रूरता से गद्दा से ये उठाकर हमला करने के कारण ये काफी ज्यादा टुकड़े टुकड़े में बट गया। और साथ ही बताया जाता है कि प्रतिष्ठा राजा नागभट्ट द्वितीय ने 815 में लाल पत्थर जो कि बलुआ पत्थर का उपयोग करके तीसरी बार मंदिर का निर्माण किया। 1026 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर की कीमती ज्वेलर्स और संपत्ति उधार दी थी। और साथ ही सोमनाथ मंदिर में
500 देवदासियां थी। 1930 तक तिरुपति नाजा गुड में देवदासियों की प्रथा थी और देवदासियों की दो श्रेणियां भी होती थी। और साथ ही पुरातात्विक विभाग के अनुसार बताया जाए तो सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत और बौद्ध गुफाएं हैं। हाँ, ये भी सच है कि इसके नीचे, इस मंदिर के नीचे, सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत और बौद्ध गुफाएं भी मिली है। और साथ ही जमीन से 12 मीटर अंदर तक जांच की गई। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथ मंदिर के नीचे एल शेप की इमारत है और साथ ही त्रिवेणी संगम, जिसे 3 नदियों का संगम कहते हैं, कपिल, हिरण और सरस्वती होने के कारण सोमनाथ का स्थान प्राचीन काल में एक तीर्थ स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के देवता सोम ने एक श्राप के कारण अपनी चमक खो दी थी और उन्होंने इसे वापस पाने के लिए इस स्थल पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। और साथ ही इसकी विशेषता ये है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप 3 मुख्य भागों में विभाजित है। इस मंदिर का शिखर 150 फुट ऊंचा है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। और साथ ही बताया जाए, शिव पुराणों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का है। और इस मंदिर में लगभग सबसे पहले 130 किलो सोने का प्लेट है और सोने के खंभों के बाद सोमनाथ मंदिर के ऊपर 1450 कलश था तथा पत्थर की मीनार पर सोना चढ़ाने का महत्वाकांक्षी कार्य ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ये है आज की मेरी वीडियो में पूरी बातें। और साथ ही मैं ये बता दूं कि यहाँ पे महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड जय सोमनाथ भगवान।